दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से खाता खुलाए होंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह का कार्ड दिया गया होगा दोस्तों। इन कार्ड के मदद से आप पैसे निकाल सकते हैं या पैसे जमा कर सकते हैं। बट दोस्तों आज मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं जिन तरीके से आप दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग चालू कर सकते हैं और चालू करने के बाद दोस्तों आप पैसे खुद से किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप चाहे जिन जो भी बैंक में आप पैसे भेजना चाहते हैं दोस्तों पैसे भी भेज पाएंगे, वो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। तो इनका मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करेंगे दोस्तों पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे होगा कि जब भी हम इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उन वीडियो की जानकारी, उन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप मोबाइल बैंकिंग चालू करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको प्ले स्टोर पे सर्च में टाइप करना है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि दोस्तों IPPB, यानी कि दोस्तों इनका फुल फॉर्म हो गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस पर इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे दोस्तों ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो दोस्तों मैं इन एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ इसलिए ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आप दोस्तों पहली बार इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करके पहले इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उनके बाद सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं सिंपली आपको अलाउ कर देना है। इस तरह से अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ लोकेशन भी आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों दो तरीका दिया गया, अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता नहीं खुला हुआ है तो भी आप यहाँ से घर बैठे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उनके लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपका खाता खुला हुआ है दोस्तों और उनका मोबाइल बैंकिंग चालू करना चाहते हैं तो सिंपली आपको लॉग इन पर क्लिक करना होगा। तो लॉग इन पर हम इस तरह से क्लिक कर दिए। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि आपका खाता संख्या, और यहाँ पे दोस्तों देखिए कस्टमर आईडी मांगा जा रहा है। अब दोस्तों देखिए आप कस्टमर आईडी कहाँ से लेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करना है। तो उनका नंबर है दोस्तों 1552999, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। उनके बाद दोस्तों जिनका आप कस्टमर आईडी नंबर मांगना चाहते हैं उनका आधार कार्ड साथ में रख लीजिएगा दोस्तों, और उनके बाद कस्टमर केयर को बोलिएगा दोस्तों कि हमें जो है कस्टमर आईडी चाहिए, मेरा अकाउंट नंबर इतना है। तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे। डिटेल्स मांगने के बाद, वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको कस्टमर आईडी कस्टमर केयर के माध्यम से मिल जाएगा। उनके बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे कस्टमर आईडी नंबर लिख लीजिएगा। उनके बाद कैलेंडर पे क्लिक करके आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ हो, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो इनके लिए हम कैलेंडर पर इस तरह से क्लिक किए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ईयर पर सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों देखिए मैं जिनका यहाँ पे जो है सो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने वाले हैं, मोबाइल बैंकिंग चालू करने वाले हैं, उनका जो है सो ईयर है 1946। तो 1946 कैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो उनके लिए सबसे पहले हम 2016 पे इस तरह से क्लिक करेंगे, फिर इस पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे और बैक करेंगे इस तरह से, फिर 2004 पे क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर इस पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे 1992 पे क्लिक करेंगे, इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। और सिंपली आपको इस तरह से पीछे करते जाना है दोस्तों। इस तरह से जैसे ही आप पीछे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ईयर आता जा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपना जो है सो ईयर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों देखिए मैं 1946 पे इस तरह से हमने क्लिक किया। उनके बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, जनवरी मंथ है, और उनके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट यानी तारीख सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक इस तरह से लिख दिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों हमने इस तरह से अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर भर लिया। उनके बाद सिंपली रजिस्टर पर इस तरह से क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे एक 4 अंक का एम पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 4 अंक का कोई एम पिन यानी कोई पासवर्ड रख लीजिए। जो पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों वही पासवर्ड आपको इस जगह भी लिखना है। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे जो है सो 4 अंक का पासवर्ड रख लेते हैं या एम पिन सेट कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरह से एम पिन रख लिया। एम पिन रखने के बाद सिंपली सेट एम पिन पे इस तरह से हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होगा। 4256502। तो दोस्तों हमने इस तरह से यहाँ पे OTP एंटर कर लिया। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल।
enjoy banking with us। उनके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए login लिखा है, तो सिंपली हम login पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। login पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपने mpin रखे हैं वो mpin आपको इस जगह फिर से आपको एंटर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे mpin एंटर कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे mpin एंटर किया। एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे देखिए कॉल के लिए कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, तो जिन्हें हमको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए पहले नंबर में अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको व्यू स्टेटमेंट पे इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों देखिए व्यू लास्ट 10 ट्रांजेक्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका लेटेस्ट 10 ट्रांजेक्शन शो हो जाएगा। उनके बाद दोस्तों सिंपली आप इस तरह से बैक हो जाइए। बैक होने के बाद दोस्तों आप देखिए अब आपको मनी सेंड करना है दोस्तों, तो सिंपली आप इस सेंड मनी पे इस तरह से क्लिक करेंगे। फंड ट्रांसफर पे इस तरह से आप क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों देखिए सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप किस माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं, तो सिंपली आप पहले वाले ऑप्शन को इस तरह से क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम यानी जिनके खाते में आप पैसा भेजना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखिए, उनका खाता नंबर, फिर से उनका खाता नंबर, उनके बैंक का IFSC कोड। उनके बाद कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे अमाउंट मांगा जाएगा। अमाउंट मांगने के बाद दोस्तों आप जैसे बहुत ही आसानी से पैसे भेज पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अमाउंट मांगेंगे उनके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके नंबर पे OTP आएगा। OTP आने के बाद सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो है सो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मनी ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम बात करेंगे कि इसमें से आप बिजली बिल, मोबाइल बिल ये सब कैसे रिचार्ज करेंगे। तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पे बिल का ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए पे बिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके बिजली बिल, मोबाइल बिल, DTH रिचार्ज ये सब आप भर सकते हैं। उनके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम सर्विस पे इस तरह से क्लिक करेंगे। सर्विस पे हम इस तरह से क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिया है चेकबुक के लिए। उनके बाद अगर आप नॉमनी अपडेट करना चाहते हैं नॉमनी अपडेट कर सकते हैं, पेन नंबर अपडेट कर सकते हैं, आधार लिंक DBT से है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं दोस्तों तो सिंपली अपडेट ईमेल आईडी पे क्लिक करके ईमेल अपडेट कर सकते हैं। उनके बाद दोस्तों देखिए अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन, अगर आप अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको बाय मंथ, अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमारा जितने भी लेन देन होता है बाय मंथ हमारे ईमेल पे स्टेटमेंट आ जाए तो वो भी आपको आ जाएगा। उनके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है, तो इन्हें आप पूरे बारीकी से देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अगर आप इन्हें लॉगिन रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका डैशबोर्ड यही है। अगर आप इनसे लॉग आउट होना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर इस तरह से क्लिक कीजिए, और यहाँ पे दोस्तों देखिए लॉग आउट लिखा है। सिंपली दोस्तों मैं लॉग आउट नहीं हूँगा, मैं इसमें आपको रजिस्टर करके दिखाना चाहता था कि किस तरह से आप मोबाइल बैंकिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का चालू कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये एक जानकारी था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।